हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वर्ब का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। वर्ब का पहला पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी छात्र नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा पहले वीडियो जाकर देखिए, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपका हमेशा एक बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ एक तरफ नाउन और दूसरी तरफ वर्ब, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लुरल, यहाँ भी लिखा हुआ है प्लुरल और सिंगुलर। अब समझते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर गिनती में एक है, अगर कोई भी वस्तु व्यक्ति या कोई भी चीज़ अगर एक है तो उसको बोला जाता है सिंगुलर। और एक से ज़्यादा यानी डेढ़ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अढ़ाई भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, तो वो होता है प्लुरल। मगर अगर कोई एक है, जैसे अभी हम अकेले पढ़ा रहे हैं तो हम अपने आप में सिंगुलर हो गए। अगर एक मार्कर है तो ये सिंगुलर हो गया, जबकि ये दोनों मार्कर आपका प्लुरल हो जाता है। तो सिंगुलर और प्लुरल में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब समझते हैं, दुनिया का कोई भी नाउन, बात को समझिएगा, दुनिया का कोई भी नाउन आपका सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है यानी एक होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम लिखते हैं पेन, पेन का मतलब होता है कलम, तो पेन अपने आप में हुआ सिंगुलर। अगर इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं यानी पेन में एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है पेन्स और ये हो गया आपका प्लुरल। जैसे अगर हम लिखते हैं फैन, तो फैन अपने आप में सिंगुलर होता है और इसमें एस या ई एस जोड़ देते हो तो आप बन जाता है इसका प्लुरल बन जाता है। ये कहानी था नाउन का। और आपको पता होगा नाउन का मतलब होता है कोई वस्तु, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नाउन का मतलब समझिएगा कोई भी वस्तु, कोई वस्तु व्यक्ति का नाम अगर है तो वो नाउन। जबकि वर्ब के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जबकि नाउन में एक्शन कभी नहीं होता, ये दोनों एक दूसरा का अपोजिट होता है। वर्ब में एक्शन होना बहुत जरूरी है, जबकि नाउन में एक्शन होना कोई जरूरी नहीं है। अब जो समझाना आपको ये था कि दुनिया का कोई भी वर्ब आपका हमेशा प्लुरल होता है, उसमें एस या ई एस जोड़कर आप उसको सिंगुलर बनाते हो। जैसे अगर हम बात कर ले गो की, तो गो अपने आप में प्लुरल होता है बहुओं, और उसमें एस या ई एस जोड़ देते हो तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर बन जाता है। उसी तरीका से अगर हम और भी कोई वर्ब का एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर हम करते हैं डांस, अगर डांस में एस या ई एस जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर, वो बन जाएगा सिंगुलर। और यहाँ पर देखिएगा डांस में ऑलरेडी अंत में ई है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जोड़ना पड़ा एस, यहाँ पर ई एस जोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरीका से और एग्जांपल को समझते हैं, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, अगर उसमें एस या ई एस जोड़ देते हो तो वो आपका बन जाता है सिंगुलर बन जाता है। कहानी ये था कि नाउन अगर आपसे पूछे कि नाउन मूल रूप से क्या होता है, तो नाउन मूल रूप से सिंगुलर होता है और उसमें एस या ई एस जोड़कर आप उसका प्लुरल बनाते हो। जबकि बात को समझिएगा, जबकि आपका वर्ब मूल रूप से प्लुरल होता है और उसमें एस या ई एस जोड़कर आप उसका सिंगुलर बनाते हो। शब्द को एकदम ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ब प्लुरल, उसमें एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब किसी के मन में आया होगा कि सर नाउन हमको नहीं पता, वर्ब नहीं पता, तो वर्ब के बारे में तो बता चुके हैं कि वर्ब एक्शन होता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट नाउन होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसमें कोई व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जगह का नाम होता है। जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। याद रखना है, अभी पढ़ रहे हैं वर्ब, तो हम लोग वर्ब पर ज़्यादा ध्यान
ध्यान रखेंगे। तो यहां तक समझ में क्लियर हो गया है, आइए अब इसका थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। तो अगला समझते हैं, बहुत से बच्चों का मन में कमेंट में हम पढ़े थे कि सर वर्ब का फॉर्म हम कैसे याद करना है। तो दिमाग में याद होना चाहिए, रटिएगा नहीं, आप जब पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वर्ब का हम इतना एग्जांपल करवा देंगे कि उसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि वर्ब का फॉर्म होता क्या है। तो याद रखना है, हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि वर्ब का फॉर्म 5 होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 1 प्लस आईएनजी जिसे आप वर्ब 4 भी कहते हो, और लास्ट वर्ब 1 प्लस एस या ईएस जिसे आप वर्ब 5 भी कहते हैं। जनरली किसी भी शब्द का वर्ब 4 और वर्ब 5 तो बन ही जाता है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। बस वर्ब 2 और वर्ब 3 के बारे में समझ लीजिएगा, याद नहीं करना, ऑटोमेटिक आपके एग्जांपल में होते चला जाएगा। जब आप एग्जांपल बनाइएगा तो वहां हम वर्ब 2 और वर्ब 3 के बारे में हर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहां क्लियर हो जाता है। याद रखिएगा नहीं, बस समझ लीजिए कि वर्ब का 5 रूप। जैसे अगर हम लिखते हैं, आप लोगों को पता है ईट, ईट अपने आप में होता है वर्ब 1, वर्ब 1। अब एक चीज समझिएगा, अगर हम पूछे कि बताओ बालक ईट सिंगुलर हुआ या प्लुरल, देखिए इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वर्ब 1 यानी जो ईट है वो आपका प्लुरल होता है। दुनिया का कोई भी वर्ब अगर V1 है तो वो अपने आप में प्लुरल होगा, इसी को आप एस या ईएस लगाकर यानी कि वर्ब 5 में सिंगुलर बनाते हो। वर्ब 1 और वर्ब 5 में बस इतना ही अंतर होता है कि ये होता है आपका प्लुरल और ये होता है सिंगुलर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और वर्ब 2 और वर्ब 3 के बारे में समझते हैं। ईट क्या, वर्ब 2 बनता है एट और वर्ब 3 बनता है ईटन, यहां तक क्लियर हो गया। और वर्ब 4 देखते हैं, ईटिंग, इसमें सिर्फ आईएनजी क्या कर देना है, ऐड कर देना होता है, आपका वर्ब का चौथा रूप आपके हाथों में होता है। और इसमें अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो यह आपका पांचवा भी बन जाता है। चौथा और पांचवा तो जनरली बन ही जाएगा। वर्ब आप लोग वर्ब देखिएगा, V2 और V3 चेक करना है, इसको रटना नहीं है, बस कुछ चीजों को समझ लेना है। जैसे अगर हम लिखते हैं टीच, इसका V2 आप बनाते हो टॉट और इसका भी V3 होता है टॉट। अब यहां समझिएगा, इसको पढ़ा जाता है टॉट और इसको भी पढ़ा जाता है टॉट, और इसका जो वर्ब 4 बनेगा वो बनेगा टीचिंग बनेगा, और वर्ब 5 बनेगा टीचेज बनेगा, इसमें ईएस जोड़ा जाता है। अब एक चीज यहां पर हम आपको फिर से समझाना चाहेंगे कि जिस भी वर्ब का V2 और V3 सेम होगा, जिस भी वर्ब का V2 और V3 सेम होगा उसको आप लोग कैसे पहचानिएगा, तो अब देखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डांस, डांस का V2 बनेगा डांस्ड और V3 भी बनेगा डांस्ड, और इसका वर्ब 4 बनेगा डांसिंग और इसका वर्ब 5 बनेगा डांसेज। अब देखिएगा यहाँ पर V2 भी सेम है और V3 भी सेम। देखिए वर्ब 2 और वर्ब 3 को कैसे पहचाने, एक थोड़ा सा बात याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा वर्ब 2। अगर कोई भी शब्द अगर वर्ब 2 होगा यानी वर्ब का दूसरा रूप होगा तो उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा नहीं होगा। जबकि इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी शब्द वर्ब 3 है, कोई भी शब्द अगर वर्ब 3 है तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर वर्ब 3 का काम कोई कर रहा है तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा।
अगर V2 का काम कर रहा है तो उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जिस भी शब्द का V2 और V3 सेम होगा उसका बता रहे हैं। अगर V2 का काम कर रहा है तो उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर V3 का काम कर रहा है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल से सब चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपके बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बस इतना बताना है कि वह वर्ब का कैमा रूप है, यानी वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, आपको चेक करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ब का कैमा रूप है, यानी किस तरह से है। V2 के रूप में काम कर रहा है, V3 के रूप में काम कर रहा है। आई तो ये वर्ब होगा नहीं, पहचानने का तरीका हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आई अगर वर्ब होगा तो एक्शन होना चाहिए, जबकि आई में एक्शन नहीं है। आपका पनिश्ड, पनिश का मतलब होता है दंडित करना। हम आपको डांटते हैं, आपके पिताजी आपको कोई डांट देते हैं, उसमें दंड देते हैं, तो उसको कहते हैं पनिश्ड। अब समझिएगा, क्या पनिश से पहले कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आया है? तो कहिएगा सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आया है, इसका मतलब ये काम करेगा वर्ब का दूसरा रूप के। अब देखिएगा नीचे, आई वॉज पनिश्ड बाय माई फादर दे। यहाँ पनिश्ड, पनिश का V2 और V3 सेम होता है, V2 भी पनिश्ड होता है और V3 भी पनिश्ड होता है। देखिए, इस पनिश्ड से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसका मतलब पनिश्ड काम करेगा अपने आप में वर्ब का तीसरा रूप। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई यहाँ पर अगर V2 से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो काम करेगा V2 के रूप में, और V3 से पहले को हेल्पिंग वर्ब है तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। राधा डांस्ड वेल। देखिए, डांस से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा सर नहीं है, तो इसका मतलब ये काम करेगा वर्ब का दूसरा रूप। अब यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में देखिएगा, क्या डांस से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा सर हेल्पिंग वर्ब तो है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा वर्ब का तीसरा रूप। अब यहाँ देखिएगा, आई टॉट माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, क्या टॉट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा सर नहीं है, तो इसका मतलब ये काम करेगा वर्ब का दूसरा रूप। क्या टॉट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा है सर, इसका मतलब ये काम करेगा वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ तक आप लोग का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट होता है कि सर वर्ब का फॉर्म याद भी करना पड़ेगा, तो याद करना ही नहीं है, आप बस एग्जाम्पल को पढ़ते रहिए, वहीं से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बारे में अगले सेशन यानी अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।